स्वागत है आपका मारीना संदेश में। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मारीना संदेश कार्यालय में। बता दें आपको कि जहां लगातार लड़कियों के कानून व लड़कियों के लिए कानून मजबूत किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए तरह तरह का कानून बनाया जा रहा है, वहीं महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और किस तरीके की दुविधा महिलाओं के साथ होती है, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। जैसा अभी आपने देखा है कि सामने एक महिला थी और महिला एक फोटो ला करके उन्होंने हमारे दिया है, ये हमारे कार्यालय में उन्होंने एक फोटो हमें ला करके दिया है। इस फोटो की कहानी हम बता दें। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं जिस शख्स को, इसका नाम है कलीम शाह। ये आदमी सिवान के पिचकाड़ी बसवाड़ी बिहार का रहने वाला गाँव है और लगभग 2 मार्च को ये अपने घर सिवान आया हुआ था। अहमदाबाद में इसकी पत्नी के 4 बच्चे हैं और ये अहमदाबाद में अपनी पत्नी को लेकर ये शख्स रह रहा था, वहीं मजदूरी करता था, जीवन यापन करता था, सकुशल परिवार चल रहा था, लेकिन किसी लड़की के चक्कर में पड़ के या किस वजह से ये शख्स जो आप फोटो में देख रहे हैं कलीम शाह, ये शख्स 2 मार्च से लापता हुआ है। सिवान आने के बहाने घर से निकला है, अपने 4 छोटे बच्चों को और अपनी पत्नी को बेसहारा छोड़ के वहां से निकल गया है। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरा इनकी तरफ किया जाए। इस महिला को जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम है उम्मतुन नेसा और इन्हीं का दामाद है। इनके भी आगे पीछे कोई शख्स नहीं है और इनके पति का भी देहांत हो चुका है। ये महिला यहाँ मऊ के रामपुर चकिया में रहने वाली है। ये महिला यहाँ मऊ के मोहल्ला रामपुर चकिया की रहने वाली है। चूड़ी वगैरह फेरी लगा के बेच के अपना जीवन यापन करती हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपनी बेटी को अहमदाबाद जा करके वहां उसकी मदद कर सकें या बेटी को यहाँ ला सकें, लेकिन फोन पे वार्ता होती है तो इस शख्स की वजह से, जिस शख्स के 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, सबसे बड़ा बच्चा 13 साल का है, इस शख्स की वजह से इनकी बेटी आज काफी परेशान है और इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब घर में इनके खाने का सामान नहीं है। अनजान जगह पर हैं, मऊ जनपद की रहने वाली हैं और यूपी की, और अहमदाबाद में जाके फंसी हुई हैं। आज इनकी स्थिति यह है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही, खाना नहीं दे पा रही है, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं इनके बच्चे, यानी इस महिला के नाती, सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की वजह से जिसका नाम है कलीम शाह। तो आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि जो महिला यहाँ बैठी हुई है उम्मतुन नेसा, हम चाहते हैं कि इनका सहयोग आप करें, इनके खोए हुए दामाद को वापस लाने के लिए एक बार आप प्रयास करें। जैसा कि हमेशा मारीना संदेश की खबरों का असर होता रहा है कि आप सभी लोग लगातार इन खबरों को फॉरवर्ड करके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और परिवार को मिलाने का आप लोगों ने हमेशा भरपूर प्रयास किया है और उसका नतीजा भी सामने आता रहा है। हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पूर्व में इनका सहयोग, तमाम लोगों का सहयोग किया है, एक बार फिर इस महिला का, जो कि बेसहारा महिला है और इनकी बेसहारा बच्ची जो कि फंसी हुई है अहमदाबाद में अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनका सहयोग हो सके और इस शख्स को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां ये शख्स मौजूद हो, चाहे अकेला हो या किसी लड़की के साथ हो, जिस स्थिति में ये शख्स मौजूद हो, इस शख्स को जल्द से जल्द इनसे मिलवाने का कष्ट करें। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है 7800777778 और उसके अतिरिक्त जो उम्मतुन नेसा है उनका भी मोबाइल नंबर हम आपको बता देते हैं 8546009138। एक बार फिर से आप सुन लें 8546009138 उम्मतुन नेसा का ये नंबर है और नीचे डिस्प्ले पे मारीना संदेश का नंबर आपको दिख रहा होगा। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क करके इस व्यक्ति की, यानी कलीम शाह की खबर, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी ये शख्स मौजूद हो, इसकी खबर आप हमारे नंबर पर संपर्क करके दे सकते हैं या फिर उम्मतुन नेसा के नंबर पर दे सकते हैं। और उम्मीद किया जाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा मारीना संदेश के माध्यम से बिछड़े हुए परिवार के लोगों को मिलाने का आप लोगों ने भरपूर प्रयास किया, एक बार फिर आप लोग ऐसे ही प्रयास करके इस महिला को, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल क्या है, रोते रोते आज इनका क्या हाल हो गया, 2 मार्च से जिनका कोई नहीं है, इस महिला को आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इनकी लाचारगी पर, मजबूरी को, लाचारगी को देखते हुए आप लोग इनका एक बार फिर से सहयोग करें। बेटी हमारे नाती भूखन मर रहा, कहू ओके तो ओके पता लगा के हमारी फोन पर फोन कर दिया जाये। हाँ, किसका पता लगा के? आपके दामाद का ना? कलीम का। कलीम का बेटी दामाद आपके कहाँ है अभी? अहमदाबाद में। नहीं, दामाद नहीं है तो बेटी और आपके नाती नती कहाँ है? अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में? हाँ। आप बता रहे हैं सब भूखे मर रहे हैं? भूखन वो जरा था ना सोने की। ख
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।